के ठिकानों पर भी लगातार छापामार कार्रवाई। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस छापे के दायरे में आए हैं। छापे में अभी तक 3 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। आयकर विभाग का डालमिया के घर पर यह बड़ा छापा, जिसकी कार्रवाई को लेकर सूचना कल से निरंतर जारी है। करीब 400 करोड़ की टैक्स चोरी का शक है डालमिया के खिलाफ और इसी के चलते कार्रवाई तेजी पकड़ती हुई, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ना सिर्फ घर बल्कि कार्यालय पर भी इसी प्रकार से दबिश दी है टीम ने। 100 अधिकारी कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल। शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, निरंतर कल से कार्रवाई का सिलसिला हमने देखा है, अभी तक कोई खुलासा इसे लेकर? देखिए, ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और जिस तरह से उड़ीसा के सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये कोल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा ये मामला है। और जिस तरह से ये पूरा मामले की अगर बात करें तो घनश्याम डालमिया जो जो बहुत एक चर्चित कारोबारी माने जाते हैं उड़ीसा के, तो उनके खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन ये 300 से 400 करोड़ का ये टैक्स चोरी का मामला है, तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से तमाम शुरुआती इनपुट्स को खंगाला गया और उसी तमाम इनपुट्स के आधार पर आगे की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अभी तक जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 3 करोड़ की नकदी को जब्त किया गया है, तो कैसे ये तीन करोड़ रुपया उनके पास आया, जो कैश जो है, कैश इतने भारी मात्रा में रखने का मकसद क्या है और किस तरह से इससे जुड़े हुए टैक्स चोरी से जुड़े हुए कई जो इनपुट्स और जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए हैं, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से भी पूछताछ की जा रही है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से तकरीबन 21 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन के मामले को अंजाम दिया जा रहा है, 3 राज्यों में एक साथ ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों राज्यों में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आयरन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो इनका कारोबार है, वहां पर भी कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जिसके आधार पर आगे पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से 28 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कोल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ जो घनश्याम डालमिया का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो इस मामले में जो कनेक्शन है छत्तीसगढ़, इसके साथ ही उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कनेक्शन है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। चलिए, हो सकता है कि यानी कि एक और बड़ा मामला हमारे सामने खुलासे के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, फिलहाल जानकारी के लिए। और शाजापुर का जिक्र करेंगे, एक और आपराधिक घटना का जिक्र है। यहां पर लेन देन की बात को लेकर युवक के साथ चाकूबाजी हुई है। युवक को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती, क्योंकि स्थिति अगर बिगड़ती तो पुलिस को इसके लिए मौजूद रहना था, इसलिए मुस्तैदी पुलिस की तरफ से भी दिखाई गई। लेन देन की बात चल रही थी लेकिन अचानक से चाकूबाजी हुई इस व्यक्ति के साथ। अज्ञात आरोपी ने जानलेवा हमले का प्रयास किया। फिलहाल इंदौर रेफर किया गया इस व्यक्ति को, इलाजरत है युवक, गंभीर हालत है उसकी। मौके पर तमाम लोगों की तैनाती, खासतौर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री प्रहलाद पटेल की तरफ से